हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द टैप मलकीत प्लम्बर में। मैं मलकीत प्लम्बर। ये टैप देख के आपको पता चल ही गया होगा, ये हर किसी के घर में ऐसे टैप लगी होती है। तो ये टैप इस तरह से लीकेज करती है, तो इसकी समझ लो कि आपके घर पे डिक्स ख़राब है या स्पैंडल ख़राब है जिसको बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये औजार आपके, ये डिक्स मिलती है बाजार मार्केट से, किसी भी सैनिटरी वाली शॉप से आप ले सकते हो। हाफ इंची की है ये। तो इसको ठीक करने के लिए जो जो औजार चाहिए वो आप अपने घर पे रख लो, तो आपका प्लम्बिंग का काम बहुत सौखा हो जाएगा कुछ तरह से। ये इस तरह से एक सिलाई रेंच है छोटा सा, तो ये देखो इस तरह से खुल जाता है ये सिलाई रेंच। ये मार्केट से आप परचेज कर सकते हो। तो ये इसको मंकी रेंच भी बोलते हैं और छोटा रेंच भी बोलते हैं इसको, कई अलग अलग नाम से है। प्लास रेंच भी, अलग अलग शहर में अलग अलग इसको प्रकार थे। ये पेचकस है जिसको स्क्रू ड्राइवर्स भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको चाहिए घर पे ज़रूरी, तो आप प्लम्बर के किसी भी काम के लिए रिपेयर कर सकते हो उसको अपने घर पे। तो ये वॉश मशीन के नीचे जो इस तरह से एंगल कॉक लगा होता है उसको बंद कर दो। और ये आपकी टैप जो ख़राब है उसको अभी हम लोग इसको रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से पेचकस के ऊपर की ये छोटा सा एक नोब दी होती है उसको खोलने के लिए होता है, तो इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये खुल जाएगी। तो बीच में एक पेच लगा हुआ है, इसको पेच कस से खोल लो। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ये खोल रहा हूँ। तो इसको इस तरह से निकाल लो। तो फिर ये एक और बीच में ये ऊपर वाली नोब को खोलना है अभी। तो इस तरह से ये प्लस को आप ऐसे कर लो। इसमें सेटिंग होती है आगे पीछे करने वाली, तो ये इसको इस तरह से खोल लो। थोड़ा टाइट है, खुल जाएगी अभी थोड़ी सी, दोनों तरफ से थोड़ी सी इसको सट लगा के खोल लो, तो ये खुल जाएगी। तो इस तरह से इसको खोलेंगे, ये भी खुल गई है। तो इस तरह से इसको लूज करके निकाल लो। तो ये दोस्तों अभी ये देखो कितनी गंदी हुई पड़ी है। तो ये डिक्स है इसकी। तो ये चीज़ ही ख़राब होती है, तो इसको इस तरह से एडजस्टमेंट वाले कर लो सेटिंग। तो ये हो गया, तो इस तरह से इसको खोल लो। तो ऐसे खुल जाएगी ये। दोस्तों जी, अपने घर पे आप अपने आप रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से ये डिक्स खोल के, तो इस तरह से इसकी छोटी सी ये वाशल कभी कभी बीच में रह जाती है। ये देखो इस तरह से इसकी हालत हुई पड़ी है। तो नीचे वाली वाशल इसके अंदर रह गई है, उसको निकालो। ये रही, ये निकल गई, अभी ये फ्री है। तो अभी इसमें ये नई वाली डिक्स डालेंगे इस टैप के अंदर। ये मार्केट से मैंने लिए, ये 60-70 रुपये में मिल जाती है। ये थोड़ी हैवी वाली है, थोड़ी सी लाइट लो तो 50 में भी मिल जाती है। तो इसको इस तरह से कस लो। पूरी
टैप आपको मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा, इसकी जाली वगैरह भी साफ करके दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो दोस्तों ज़रूर देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखोगे तो दोस्तों मेरे चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर भी कर लें, इसी तरह से आपको नए नए वीडियो दिखाता रहूँगा मैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, और अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करो, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नए नए बना के दिखाता रहूँगा। ये देखो अभी दोस्तों मैं आपको जाली रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये देखो इसके अंदर कितनी गंदगी है, कचरा आया हुआ है जाली के अंदर। तो अभी इसको खोलेंगे, ये देखो पानी के पहले इसका पानी टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था, पानी बहुत अच्छी तरह से नहीं आ रहा था। तो अभी इस जाली को साफ करेंगे तो ये 3-4 भागों में खुल जाती है जाली। एक ऐसे छोटा सा ब्रश ले लो आप, कोई भी पुराना सा, तो उसके साथ इसको वॉश करो। तो ये देखो ये जाली दो भाग मैंने उधर खोल दिए, तीसरा भाग है। अभी इसको साफ करेंगे, साफ करके इसको अच्छी तरह से, ये मैंने साफ कर लिया इसको। फिर अभी इसको लगा रहा हूँ, ये मेरे एक हाथ में मोबाइल था जो दोनों हाथ से साफ किया मैंने। तो ये छोटे वाली जाली अब इसके ऊपर लगा देंगे, तो इस तरह से ये लग जाएगी। तो अभी पानी थोड़ा सा चला के देखते हैं साफ करके। तो ये इसके अंदर डाल दिया मैंने, तभी इसको आगे हाथ से ही कस देना। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा उसे प्लस रेंच से थोड़ा सा कस देंगे, प्लस वाले, बस इतना सा ही, ज़्यादा टाइट मत करना, कल को ये खुलेगी नहीं। तो दोस्तों इसको फिर नोब को साफ करके अभी ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से इसको वापस कस देना। ये टाइट हो गया, तो ये नोब इसी तरह से लगा दो। सीधी करके लगा दो। तो अभी ये पेचकस से इसको वापस कस दो। और ये वाली ऊपर इसकी नोब के ऊपर लगा दो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो मेरे ज़रूर बताना। ये आपको घर पे ही इस तरह से टैप कर सकते हैं ठीक अपनी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप मेरा इंतज़ार करो, ज़रूर दिखाएंगे आपको।